ज्यादा हमने इनको प्रेफर किया है, क्योंकि यही बच्चे आने वाले जो फ्यूचर हैं, यही बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। तो अगर इनको इस चीज़ की समझ आए कि एनवायरमेंट कितना जरूरी है, पेड़ अगर इतने होते, बेरोजगार होते, कार्य होती, तो एक एनवायरमेंट थोड़ा एयर कंडीशन टाइप हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर आज हमारे यहाँ के उस्तादे कराम, प्यारे बच्चों और बच्चों, आदाब सलाम। आपको बखूबी हाई स्कूल सूली, यहाँ के एक्सपेक्टेड टीचर्स, स्टाफ और खासकर यहाँ के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, उन्होंने हमारे मिशन लाइफ के इस छोटे से कार्यक्रम में, रैली में भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया और सबको ये मैसेज दिया कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, अपना लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है। तो लिहाजा मैं इन सभी स्टाफ मेंबर्स का, टीचर्स का, रिस्पेक्टेड हेडमास्टर साहब का, गवर्नमेंट हाई स्कूल सूली से जो बिलोंग कर रहे हैं, और सभी जो बच्चों का जो धूप में, हमारा कड़ी धूप में साथ दे रहे थे, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो आज उन्होंने प्लेज लिया है उसको ये दिल से मानेंगे और सभी अपनी लाइफ में इसको इन्वॉल्व करेंगे। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी टीचर्स का, आपने कॉपरेट किया, तो थैंक यू सो मच। सभी बच्चों ने जो धूप में हमारे साथ खड़े रहे उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। सर यहाँ पर हमारे श्री दीवान सिंह जी, ब्लॉक अफसर फॉरेस्ट ब्लॉक दहंदल से, आज इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम किया। यहाँ पर सुबह मॉर्निंग असम्बली के बाद इन्होंने जानकारी दी इसके एनवायरनमेंट के ये जी बारे में, और यहाँ पर सबों ने एक प्लेज लिया और ताकि अपने माहौल को हम साफ सुथरा रखें, और इसको ये साफ सुथरा रखने के साथ यहाँ पर जानकारी दी गई कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए और माहौल को साफ सुथरा रखा जाए, और इन पेड़ों की ज़्यादा से लगाए जाएं और इनको काटे से भी बचाए जाएं, ताकि इस माहौल जितना साफ सुथरा रहेगा उतना हमारा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता होगा, और तमाम ये जी क्या कहते हैं आसपास के माहौल के माहौल को भी ये जी ठीक रखने के लिए जानकारी दी गई। और इनके साथ जो टीम आई हुई थी इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ जानकारी दी और एक हलफनामा लिया कि हम इस माहौल को साफ सुथरा रखेंगे, पेड़ पौधों को हम बचा कर रखेंगे, इसको गंदा होने से नहीं बचाएंगे। लिहाजा इसी के साथ आज की जो ये कार्रवाई जो ख़त्म होती है, और हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा जो ये प्रोग्राम फिर मुनाकद होना चाहिए, और ताकि बच्चों में और माहौल में और हमारे गांव में इसके बारे में बहुत जानकारी हो, और ये पेड़ पौधे जो है ये जी कांटे से बचाए जाएं, और जब माहौल हमारा साफ सुथरा रहेगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे रुख्सत होता हूँ। बस आदाब, थैंक यू सर।